जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा कान चढ़े भूल चढ़े और चढ़े मीरा कान चढ़े भूल चढ़े और चढ़े मीरा मधुरं काम की जय सेवा सूर श्याम चरण सकल की जय सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेव एंड एक तरीका होता है कि सब लोग साथ में आकर एक छत के नीचे एक पॉजिटिव फीलिंग एक फेथ के साथ परमात्मा को थैंक यू बोले और दैट इज समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम एंड और सबसे बड़ी बात तो काम ही भक्ति है ये सीखने मिला है यहाँ पर इसके पहले था कि काम था एंड यू हैड मुझे नेम चाहिए फेम चाहिए पैसा चाहिए चाहिए इसके लिए काम करती थी अब जेन्युइनली इट हैज़ बिकम अ भक्ति टुवर्ड्स ऊपर वाला कि उन्होंने ये मौका दिया है इनके माध्यम से कि सच अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस फॉर एवरी एक्टर इन अनुपमा इज सच अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी थैंक यू सो मच एंड यू रियली थॉट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति काम के लिए भक्ति क्या मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल माय मदर दीपा शाही जी जो अभी प्रोड्यूस तीनों शोज कर रही हैं शी हैज़ या रिश्ता अनुपमा एंड दिस शो हैज़ अ नेम एज अ गुड लक तो ऑफ कोर्स अनुपमा इज स्टार्टेड हर फर्स्ट शो बेबी एंड एज अ प्रोडक्शन बट मॉम ने भी सारी शी कुड नॉट कम टुडे बट ऑल द ब्लेसिंग्स एंड विशेज टू एवरीबडी एंड लॉट ऑफ प्रेयर्स एंड दिस थिंग एंड वही है कि बस ऐसे ही जैसे उन्होंने कहा कि अपने काम को आप एक मंदिर की तरह जब आते हो तो ट्रीट योर सेट लाइक योर ओन होम लाइक योर टेम्पल वर्क इज़ वर्शिप वैसे ही ह्यूमिलिटी के साथ काम करो बिकॉज सक्सेस आएगा जाएगा लाइफ में जो हमने सीखा है नो दिवाली आपको सिखाती है वो ग्रैटिट्यूड वो प्यार मोहब्बत आई ऑलवेज से सक्सेस डोंट टेक सक्सेस टू सीरियसली एंड डोंट इवन टेक फेलियर टू सीरियसली साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बट एवरीथिंग इज मोमेंटरी तो मैं हमेशा सारी टीम्स को ये बोलता हूँ कि भाई हमने 31 ईयर्स हो गए 32 ईयर्स हो गए इस इंडस्ट्री में टीवी इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्टार्स एक्टर्स टेक्नीशियन प्रोड्यूसर्स को क्रिएटर्स को चलो साइकिल आएंगे उनका एक दौर है फिर दूसरे लोग आएंगे इट विल कंटिन्यू साइकिल बनेगा बट इफ़ यू आर गुड ह्यूमन एंड यू आर गुड टू ईच अदर नो ये फॉल तो होगा ही चाहे कितने बड़े प्रोड्यूसर हो चाहे कुछ एक दौर आएगा चाहे डायरेक्टर हो चाहे एक्टर्स हो बट वेन यू आर गुड एंड वो गुडविल मीडिया के सामने वाली गुडविल नहीं बता रहा मैं जो मीडिया में सब अच्छी अच्छी बात करते हैं यू नो वो जो यूनिट जो 100 लोगों की बैठती है ना वो देखती है कि हाँ ये पर्सन क्या उनकी दुआ लगती है और वो फिर एक आपका फॉल भी हुआ ना वो कुशन हो जाएगा बट अगर आपका एटीट्यूड बिहेवियर यूनिट के साथ ख़राब हो तो फिर लपेट लपेट के आपको नीचे गिराएंगे वो दे विल बी वेट फॉर द डे व्हेन योर डाउनफॉल इज देयर सो बी हम्बल टू द यूनिट एंड स्पेशली व्हेन द कैमराज आर नॉट देयर टू ईच अदर ऑल्सो एंड कीप आई ऑलवेज गो मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ जहाँ पे एक एक्चुअली ट्रूली ना एक पॉजिटिविटी हो सो आई ऑलवेज प्रे कि अनुपमा की टीम में और पॉजिटिविटी हो और प्यार हो और अंडरस्टैंडिंग हो कंपैशन हो यू नो एंड गॉड ब्लेस आवर टीम्स एंड थैंक यू एक ही सेंटेंस बोलना चाहती हूँ राजन जी ने कहा उसमें सिर्फ एक ऐड कर रही हूँ एक ही सेंटेंस अगर दिल में सच्चाई और अच्छाई हो तो हर दिन दिवाली है वाह वाह बहुत अच्छा इसके बाद मैं मुझे लग रहा है कोई कुछ बोल नहीं सकता जैसे सर ने एक मैसेज दिया है मतलब काम ही पूजा है तो आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि सर एक हर एक सेट पे जाके जो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं इट वाज अमेजिंग तो हाउ यू फील मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं सबसे पहले अपने लिए ये बोलूँगा कि मुझे अनुपमा से पहले भले ही लोग जानते होंगे लेकिन जिस तरीके से आप जानते हैं वो सारा श्रेय सारा क्रेडिट इनका है और आप अनुज को प्यार करते हैं इतना उसको सराहते हैं वो सब राजन शाही की देन है और मैं हमेशा हर इंटरव्यू में यही बोलता हूँ कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हमारे शो में जितने एक्टर्स हैं
सबका लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट रोल्स हमें इस शो में मिला है. एंड ये मैं बड़ा खुश होकर बोल सकता हूँ कि मैं, मेरी बड़ी चाह थी कि सर के साथ, मैं टीवी में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन जितना भी हुआ मैं हमेशा चाहता था कि एक मौका मिले. एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आई एम, मेरे को जब अवार्ड भी मिला था अभी तो मैंने यही बोला था कि चैनल्स आएंगे रहेंगे होते रहेंगे, मैंने हर चैनल पे काम किया, लेकिन ऑल थैंक्स टू द मैन हु ब्रॉट मी बैक टू द फोरफ्रंट और मेरे टैलेंट को उन्होंने दिखाया, उन्होंने सराहाया. सो थैंक्स सर, थैंक यू सो मच एंड आई कैन ओनली थैंक यू. एंड आई एम जस्ट हम्बल्ड बाय द होल फैक्ट कि हम एक शो करते हैं, हम बोलते हैं कि हम 12-13 घंटे काम कर रहे हैं, 20 घंटे काम कर रहे हैं, ये आदमी कम से कम, मैं, आप देखिए कितने शोज संभाल रहे हैं सर, हर जगह उसी स्पिरिट के साथ, उसी एंथुजियाज्म के साथ, उसी जद्दोजहद के साथ ही गोज. आप लोग के साथ ये शायद पहले सेट से होकर आए हैं, तो इट्स नॉट ईजी. और ये बोलना कि यू नो, ऐसा बोलना कि आप टॉप के प्रोड्यूसर हैं, टॉप का प्रोड्यूसर बन सकता है कोई भी, तुक्के लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उस मुकाम पे खड़े रहना और डट के खड़े रहना और ये नहीं कि फॉल होने के बाद फिर उठ के वापस आना, दैट इज़ वॉट शोज द यू नो आपका जो ट्रू वैल्यू होती है. और उसके बाद इतना हम्बल रहना कि ये सब बातें हम हर इंटरव्यू में सर के सुनते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है कि जब हमारा बॉस ऐसा है तो हम कुछ भी नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है शो में. आई थिंक इट्स ओनली द मैन हिमसेल्फ. एंड थैंक यू सर, आप हमारे लिए, क्योंकि दिवाली है सो मैं सबकी तरफ से बोलना चाहता हूँ थैंक यू फॉर बीइंग द गॉड इन आवर लाइव्स. यू नो थैंक यू सो मच, आपके आपके काम से हमारा घर चलता है. सो थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक व्हाट ट्रूली फ्रॉम द हार्ट, ये रात को 3 बजे भी जागे होते हैं, ये सुबह 5 बजे भी मैं भी जाग रहे होते हैं, क्योंकि लाइक आई एम वर्किंग ऑन द स्टोरी, आई एम वर्किंग ऑन द स्टोरी, ही गोस ऑन. एंड सीरियसली वन थिंग, नन ऑफ अस एक्चुअली, हम लोग कुछ नहीं है, आप लोग हमारा इंटरव्यू लेते हैं, आपको सबसे पहले राजन शाही सर का इंटरव्यू लेना चाहिए, बिकॉज अगर ये नहीं होते तो ना अनुपमा होती, ना अनुज होता, ना राज, ना बा, और ये तो इस शो का है, किसी भी शो में. सो ऑल थैंक्स टू, हम सबके करियर को रिडायरेक्ट किया है इन्होंने, हम सबको. आई वुड से दैट यू नो, अब मैंने हर शो में ये बोला टीम जो कच्ची, आज हमारी सब टीम है, रंजीत जी, विवेक नहीं है इधर, बाकी अभी भी नहीं है, बट जो हमारी टीम पिलर्स हैं, जैसे आरिफ जी पूरा जो प्रोडक्शन संभालते हैं और करते, हमारे क्रिएटिव यू नो इंद्रजी संयुक्ता है, देन हमारे सबसे कैप्टन ऑफ द शिप आई वुड से डायरेक्टर्स में, कट प्रोडक्शन में, हर शो को उन्होंने ही सेट किया है, सीरीज डायरेक्टर हमारा 26 साल का एसोसिएशन है, चाहे अनुपमा हो, चाहे विदाई हो, चाहे रिश्ता हो, हर जनरेशन का हो, चाहे बातें हो, तो रमेश जी हमेशा सेटअप करते हैं वो शो. सो इतनी ब्रिलियंट टीम है हमारी पूरी, यू नो आई थिंक वो टीम वर्क की वजह से ही, क्रेडिट मैं ले लेता हूँ, अवार्ड स्टेज पर जाता हूँ, बट मेहनत बहुत नहीं, बट आई एम नॉट बीइंग हम्बल, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं जानता हूँ, बट रियली अच्छी टीम के बगैर ना ऐसे कोई कुछ कर, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज वैल्यू टीम वर्क, कि टीम, अच्छी टीम के बगैर ना आप अच्छे शोज, बेस्ट टीम्स मेक बेस्ट शोज. एंड हमारे सबसे सीनियर जो हैं सेट पे, बापू जी से भी पूछिए, बिकॉज इनका आशीर्वाद एंड यू नो इनकी ब्लेसिंग्स हैं जो. जी सर, आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा सर के साथ, आप तो काम कर रहे हैं और भी सर. उसके पहले एक बात कहूँगा मैं, जी, जी. आज सुबह जब उठ के पेपर देखा तो हेडलाइन थी कि हाईकोर्ट ने 2 घंटे के लिए पटाखे फोड़ने के लिए 8-10 अलाउ किया है. गलती लोगों की कुछ ऐसी हो गई कि वो 2 घंटे ही शांत रहते हैं, बाकी वो उल्टा हो गया है. तो उतना ना करें, उसे फॉलो करें. दूसरी बात इनके लिए कहूँ कि मैं फॉर 60 ईयर्स आई एम इन दिस फील्ड. मेरे जीवन में 2 अच्छी चीज़ें बती, बहुत अच्छी चीज़ें 2 बनी मेरे साथ, एक अनुपमा और एक जयश्री. इससे ज्यादा और कुछ नहीं. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. रमेश जी हमारे कैप्टन ऑफ द शिप, रमेश जी से, हाँ रमेश जी से अब कैप्टन द शिप से लीजिए. अनुपमा, मैं हमेशा शुरू से ये कहता हूँ कि ये सिर्फ शो नहीं है, सारी माओ का प्यार है. तो आई थिंक हमारे पेरेंट्स का आशीर्वाद है ऊपर वाले की, सब इतनी पॉजिटिवली सब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, शायद उसी की वजह से अनुपमा को इतना प्यार मिला और आगे भी मिलता रहे. एंड सबको हैप्पी दिवाली. थैंक यू. आर यू वांट टू सी